आज मैं आपको बैग के ऊपर इस टाइप की फ्लावर्स लगाना सिखाऊंगी। इसको लगाने की तरीका काफ़ी ज़्यादा ईजी है। मैंने इस टाइप की फ्लावर्स को बैग की जो मिडिल पोर्शन और ऑपोजिट पे ही लगाया है। साइड जो पोर्शन होती है ना, वहाँ पे मैंने इस टाइप के फ्लावर्स को नहीं लगाया। आप चाहे तो पूरा बैग पे लगा सकते हो, तब भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। नॉर्मल क्रॉस कट बैग के ऊपर इस टाइप की हम फ्लावर पैटर्न को लगा देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर और भी अट्रैक्टिव हो जाता है। बैग के नीचे से लेकर ऊपर तक सभी जहाँ पे आप इस तरह की फ्लावर पैटर्न को बनाना चाहते हो, तब आपको क्या करना है, जब बैग के बुनाई स्टार्ट होते हैं तब से आप इस तरह की फ्लावर को लगाते हुए जा सकते हो। ऐसे करने से क्या होगा, जब एक फ्लावर को हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे तो उसकी जो वायर होती है ना, फिनिशिंग करने में हमें काफ़ी ज़्यादा ईजी लगेगा। मैंने यहाँ पे फ्लावर पैटर्न को बनाने के लिए एक अलग सी वायर को परचेस किया है। स्केल पे मेजरमेंट करके इस व्हाइट कलर वायर को 1 फीट पे मैंने कट कर लिया है। सो इस तरह के फ्लावर को बनाने के लिए हम 1 फीट वायर ही काफ़ी होगा। सो हमें एक एक फ्लावर को लगाने के लिए हमें 1 फीट वायर ज़रूरत होते हैं। सो आप जितने भी फ्लावर्स को लगाना चाहते हो उतना वायर्स को आप 1 फीट मेजरमेंट करके कट कर लीजिएगा। सो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो क्रॉस कट बैक है तो इसलिए मैंने एक साइड पे पूरा ऐसे ही दो दो वायर्स को लेकर नॉट लगाते हो एक साइड पे कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। सो दूसरा साइड आप देख सकते हो, इसको मैंने अभी तक बुनाई नहीं किया है। सो क्रॉस कट बैक में ऐसे आते हैं, अगर आप एक साइड पे पूरा बुनाई करने के बाद दूसरा साइड भी कर सकते हो। इस बैग बनाने की जो वीडियो की लिंक है उसको मैंने नीचे दे दिया, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। जो वायलेट कलर नॉट होती है ना, उसको फ्लावर की जो सेंटर पॉइंट की तरह लिया है, ठीक है। जो जो वायलेट नॉट है उसकी जो नीचे वाले नॉट को हम लेना है, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट वाली नॉट, उसके बाद ऊपर, उसके बाद राइट, ठीक है। ऊपर नीचे और लेफ्ट और राइट, इन चारों नॉट को लेना है, ठीक है। हम पे देख सकते हो ऊपर वाली नॉट, नीचे वाली नॉट और लेफ्ट और राइट, इन चारों ऑरेंज नॉट पे हम इस फ्लावर्स को बनाएंगे। सो यहाँ पे देख सकते हो जो वायलेट नॉट की नीचे वाली नॉट होती है ना, ठीक है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इस वायलेट कलर नॉट की नीचे वाले नॉट में, ठीक है, लेफ्ट में एक गैप होते हैं और राइट में एक गैप होते हैं। सो हमें क्या करना है, वायर की एक साइड को एक गैप के अंदर, दूसरा साइड को दूसरा गैप के अंदर डाल के हमें बराबर कर लेना है इस वाइट कलर वायर को, ठीक है। उसके बाद राइट में एक वायर आ जाता है और उसके बाद लेफ्ट में एक वायर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम राइट वायर से स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे वायलेट नॉट की नीचे वाला गैप में इस वायर को डाल के वायलेट नॉट की साइड वाला गैप से निकाल लेंगे, ठीक है। सो इस राइट वायर को नीचे वाले गैप में डाल के साइड वाले गैप से निकालेंगे। राइट हैंड में इस वायर को पकड़ा है तो लेफ्ट हैंड की इस उंगली को, ठीक है, इस उंगली को हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ रख के ये जो वायर को वायलेट नॉट की साइड वाला गैप में डालना है। उसके बाद राइट हैंड से उस वायर को हम बाहर की तरफ निकाल देना है। निकालने के बाद यहाँ पे देख सकते हो वायलेट नॉट की अप एंड डाउन, लेफ्ट और राइट, इन चारों नॉट पे हम इस तरह के फ्लावर्स को बनाएंगे। सो हमने नीचे से लेकर देखिए राइट साइड नॉट पे आ गया है। सो इस वायलेट नॉट की राइट साइड पे, ठीक है, राइट साइड नॉट की, ठीक है, इस नॉट की ऊपर और नीचे दो गैप है। तो हम क्या करेंगे, इस वायर को नीचे वाले गैप से डाल के और ऊपर वाले गैप से निकालेंगे, मतलब राइट नॉट की, ठीक है, इस नॉट की राइट साइड नॉट की नीचे वाले गैप में डाल के इस ऊपर वाले गैप से निकालना है। देख लीजिए इस तरीके से हम इस वायर को ये जो ऊपर वाले गैप से हमने निकाल दिया है, ठीक है। निकालने के बाद हम क्या करेंगे, वापस नीचे वाले गैप में इस वायर को डालना है, ठीक है। वापस हम क्या करेंगे, वायलेट नॉट की साइड वाले गैप में इस वायर को डाल के, ठीक है, ऊपर वाले गैप से निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम निकालेंगे, यहाँ से डाल के और ऊपर वाले गैप में, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो हमने कैसे कर रही हूँ, इस तरीके से अंदर से उंगली से हम इस गैप के अंदर डाल देना है। उसके बाद हम इस हाथों से इस वायर को निकाल देना है। निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इस वायर को, ठीक है, यहाँ भी जो पैटर्न है ये बन गया है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके इस वायर को जो ऊपर वाले ऑरेंज नॉट है ना, ठीक है, अब ऊपर वाली जो ऑरेंज नॉट की जो राइट साइड गैप के अंदर इस वायर को डाल के ऐसे ही छोड़ देना है। ऊपर वाली ऑरेंज कलर नॉट पे दोनों साइड गैप है, ठीक है, लेफ्ट और राइट दो गैप है। सो हम क्या करेंगे, राइट साइड गैप के अंदर डाल के ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद ऐसे ही छोड़ के कंप्लीट कर दिया है हम। तो अब क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। सो लेफ्ट की वायर को क्या करेंगे, वायलेट नॉट के नीचे वाले गैप में डाल के साइड वाले गैप से वायर को निकालना है। निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जो नॉट दिख रहे हैं ना आपको,
लेफ्ट साइड नॉट, ठीक है, उस लेफ्ट नॉट की नीचे वाले गैप में वायर को डाल के ऊपर वाले गैप से निकालना है, ठीक है। सेम जैसे हमने राइट साइड किया था उसी को वापस हम लेफ्ट साइड पे करना है, ठीक है। उसके बाद सेम उसी गैप में, ठीक है, वायलेट नॉट की साइड वाले गैप में डाल के ऊपर वाले गैप से, वायलेट नॉट के ऊपर वाले गैप से इस वायर को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड, ठीक है, ऊपर वाले नॉट की लेफ्ट साइड गैप में डाल के ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको बैक साइड पे, ठीक है, बैक फिनिशिंग करना है, ठीक है, वायर को इंसर्ट करना है। फिनिशिंग करना कोई बात नहीं है, जो वायर्स होते हैं ना उसको इंसर्ट करना है नॉट के बीच में। सो इंसर्ट कैसे करना है, ठीक है, यहाँ पे दो वायर है, ऊपर में एक वायर है और नीचे पे एक वायर है। सो ऊपर वायर को नीचे वाली नॉट में एक ही लाइन पे इंसर्ट कर लेना है और नीचे वाले वायर को ऊपर वाली नॉट के अंदर इंसर्ट करना है। देखिए हमने इस नॉट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे इसकी नीचे ऊपर वाली वायर को नीचे वाली नॉट के अंदर इंसर्ट कर रही हूँ, ठीक है, एक नॉट के अंदर मैंने इंसर्ट कर दिया है। कुछ इस तरीके से हमें इंसर्ट करना है, उसी की नीचे वाली नॉट में इंसर्ट कर रही हूँ, मतलब एक ही लाइन पे हमें इंसर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद उसकी नीचे वाली, ठीक है, एक ही लाइन पे इंसर्ट करेंगे तो ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देता है। तो हमने क्या कर रही हूँ, नीचे वाले वायर को ऊपर वाली नॉट में, ठीक है, अपोजिट में ऊपर वाले वायर को नीचे की तरफ हमें इंसर्ट करना है और नीचे वाले वायर को ऊपर की तरफ नॉट की बीच में इंसर्ट कर लेना है, ठीक है। तीन या चार नॉट के अंदर आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने नीचे वाले वायर को तीन नॉट के अंदर इंसर्ट कर दिया है। ऊपर में नॉट को हमने दो वायर को लेकर नॉट को लगाने के बाद वहाँ पे भी मैं इंसर्ट कर लूँगी। सो यहाँ पे देख सकते हो यही है, इसके बाद हम कोई नए स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो वापस मैं आपको दोबारा कह देती हूँ, जिनको ठीक से समझ नहीं आ रही हो, ठीक है, वो वापस देख लीजिए। जो वायलेट नॉट की नीचे वाले ऑरेंज नॉट की दो गैप होते हैं, उन दो गैप में से, ठीक है, सो एक वायर की एक साइड को एक गैप में और दूसरा साइड को दूसरी गैप में निकाल के बराबर कर लेना है, ठीक है। कोई नई स्टेप नहीं है, एक दोनों वायर को बराबर कर लेना है। सो लेफ्ट में एक वायर आ जाते हैं और राइट में एक वायर। सो हम क्या करेंगे, वायलेट कलर नॉट की, ठीक है, नीचे वाले गैप में डालना है। जो राइट वायर को लेकर वायलेट कलर नॉट के नीचे वाले गैप में डाल दिया। डालने के बाद हम यहाँ पे राइट वायर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम इस वायर को कहाँ से निकालेंगे, वायलेट नॉट की जो राइट साइड गैप में, ठीक है, साइड गैप मैंने पहले कहा था। सो आप देख सकते हो मैंने राइट साइड गैप में इसको निकाल रही हूँ। उसके बाद राइट साइड नॉट की, ठीक है, ऑरेंज कलर नॉट की नीचे वाले गैप से डाल के ऊपर वाले गैप से निकाल दिया। साइड वाला गैप में डाल के ऊपर वाले वायलेट नॉट के ऊपर वाले गैप से निकाल दिया। उसके बाद उसी वायलेट नॉट की ऊपर वाले में ऑरेंज नॉट है ना, उसकी राइट साइड गैप में हमें डाल देना है, क्योंकि हमने राइट वायर को लेकर यहाँ पे फ्लावर्स को बना रहे, तो राइट साइड गैप में डाल दें। अब लेफ्ट वायर को लेना है, लेफ्ट वायर को लेकर वायलेट नॉट के नीचे वाला गैप से डाल के, ठीक है, लेफ्ट वाले गैप से निकालना है, ठीक है। वायलेट नॉट की लेफ्ट साइड वाले गैप से इस वायर को मैंने निकाल दिया है, ठीक है। लेफ्ट वायर से करें तो लेफ्ट साइड वायर को लेफ्ट साइड गैप में निकालना है, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट नॉट की, ठीक है, लेफ्ट साइड में जो ऑरेंज नॉट है ना, उसकी नीचे वाले गैप में डाल के ऊपर वाले गैप से निकालना है, ठीक है। उसके बाद सेम उसी गैप में, साइड वाले गैप में डाल के वापस ऊपर वाले गैप में निकालना है। निकालने के बाद ऊपर वाले ऑरेंज कलर नॉट की लेफ्ट साइड गैप में इस वायर को डाल देना है। बस इतनी सी है, इसके बाद कंप्लीट हो गया। तो वापस क्या करेंगे, बैक साइड पर इसको इंसर्ट करना है। अंदर की तरफ भी देख सकते हो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसको, इसके ऑपोजिट में इस वायर को इस तरीके से ऑपोजिट में इंसर्ट कर लेना है। सो देख सकते हो आप, ये जो यहाँ पे लेफ्ट साइड, ठीक है, राइट साइड वायर को मैंने लेफ्ट साइड की तरफ इंसर्ट कर रही हूँ, ठीक है, इस नॉट के अंदर ऐसे ही मैं इंसर्ट कर दिया। उसके बाद उसी नॉट के नीचे वाले नॉट में ऐसे ही एक ही लाइन पर हमें इंसर्ट करना है। मैंने इस तरह फ्लावर पैटर्न को क्रॉस कट बैक में बनाया, ठीक है। एक एक डायमंड कंप्लीट होने के बाद आप इस तरह की फ्लावर पैटर्न को लगा सकते हो। आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहे इस टाइप के फ्लावर्स को आपकी जो बुनाई किया हुआ बैग के ऊपर लगा सकती हूँ। आप पूरा बैग के ऊपर लगाना चाहते हो तो भी आप लगा सकते हो, या फिर ऊपर की दो राउंड तक, या फिर सेंटर में एक ही लाइन, या फिर मेरी तरह आप भी बैग के मिडल पोर्शन पे बस वहाँ पे ही लगा सकते हो, साइड वाले पोर्शन पे स्किप भी कर सकते हो। मैंने ऐसा ही किया है। फ्लावर्स को लगाने की तरीका को मैंने बता दिया, बाकी सब आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड है, आप जैसा चाहे आप लगा सकते हो। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।